बारिश के बाद बढ़ती गर्मी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उमस और गर्मी का असर फसलों पर भी देखा जा रहा है। किसान भागीरथ पटेल का कहना है कि बारिश के बाद धूप की वजह से प्याज पर जले भी रोग आ गया है। इसी में लागत बहुत ज्यादा लग गई है जो निकालना भी मुश्किल है। साथ ही आपको बता दें कि जिले में बारिश के बाद बढ़ती गर्मी ने न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि खेती किसानी को भी बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अत्यधिक गर्मी प्याज की फसल पर काफी बुरा प्रभाव डाल रही है। प्याज के हर हिस्से पर पहले छोटा सफेद धब्बा बनता है और फिर यह बढ़ कर पीले धब्बे जैसा हो जाता है। यह प्याज की फसल पर काफी बुरा असर डाल रहा है। तत्काल इसका उपचार नहीं किया गया तो प्याज की फसल की उत्पादक बेहद घट जाएगी। प्याज में एक बार उखड़ा रोग लग जाने पर फसल की उत्पादकता प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। यह स्थिति किसानों को परेशान कर रही है। विभिन्न कारणों से लगातार प्रकृति की मार झेल रहे किसानों में गर्मी की मार से भी परेशानी बढ़ जाने का बेहद निराशा देखी जा रही है। इस साल तो किसानों के लिए बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि बारिश ने किसानों का साथ नहीं दिया। हमारी जो प्याज की फसल थी उस पर धूप का काफ़ी असर हुआ है, प्याज की फसल खराब हुई है। कई जगहों पर प्याज पर जलेबी का रोग भी लगा है। काफ़ी लागत लग चुकी है और अभी भी प्याज जब तक नहीं आती जब तक लागत लगेगी, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। अब हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अगर किसानों को कोई मदद करे तो किसान की जो आर्थिक स्थिति वो सुधर जाए, क्योंकि हम मौसम पर डिपेंड रहते हैं या तो किसान पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर किसान को किसी तरह का सहयोग नहीं मिला तो किसान की आर्थिक स्थिति खराब होना लाजमी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसे देखे और जो फसल नुकसान हुआ उसका आकलन करके किसान को राशि दी जाए जिससे उसकी लागत कवर कर सके और वो अपना परिवार चला सके, क्योंकि आज का किसान इतना सशक्त नहीं है। किसान बेहद कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि मौसम हर साल कुछ न कुछ अपना रंग बताता है जिससे किसान को बेहद ज़्यादा नुकसान हो रहा है।